2015 का क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, इसमें कुछ कैटलिस्ट दिए हैं और कुछ प्रोसेस इनको मैच करना है। इसके मैच के ऑप्शन को देखने पर यह भी साफ पता चलता है, अगर आपको V2O5 भी केवल याद होता जो काफी सिंपल है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो आपको मिल जाता कि जो डी है उसको थर्ड से मैच होना चाहिए। अगर आप ये डी को थर्ड से भी मैच कर देते जो हम कैरियर पॉइंट में स्टूडेंट को अच्छे से याद करा के भेजते हैं, तो भी आपको आंसर सेकेंड इसका मिल जाता। अब इसमें अदर अगर हम देखते हैं, सी जो दिया CuCl2 ये भी सिंपल है, डिकॉन्स प्रोसेस होगा तो सी को हम फोर से मैच कर सकते हैं। अगर हम PdCl2 की बात करें तो ये वैकर प्रोसेस में यूज होता है तो हम बी को फर्स्ट से मैच कर सकते हैं। और जो फर्स्ट हमें TiCl3 दिया है वो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन में यूज होता है तो ए को हम सेकेंड से मैच कर सकते हैं। बट अगर हमें केवल यहां पर V2O5 भी याद होता तो हम इसका सेकेंड आंसर आराम से देख सकते थे।